दोस्तों, विपश्यना एक ध्यान साधना है जिसे विपासना भी कहा जाता है। वास्तव में विपश्यना का मतलब होता है विशेष प्रकार से देखना। योग शास्त्र के अनुसार योग साधना के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विपश्यना, भावातीत और हठ योग। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी विपश्यना साधना के जरिए ही बुद्धत्व प्राप्त किया था। यह साधना आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है। विपश्यना का मूल अर्थ अपने अंतःकरण में झांकना और उसकी शुद्धि के लिए काम करना होता है। इस साधना में स्वयं की सांसों के आवागमन को महसूस करना होता है और हर क्षण उन सांसों के प्रति सजग रहना होता है। इसमें न अतीत की कोई चिंता और न ही भविष्य का भय रखना होता है। विपासना वर्तमान में रहने का और प्रतिपल सजग रहने का सबसे बेहतर उपाय है। दोस्तों, एक द्वंद्व में डाल देने वाली बात यह है कि लोगों का मानना है कि यह महात्मा बुद्ध द्वारा खोजा गया साधना है, लेकिन ऋग्वेद में उत्कृष्ट ढंग से इस साधना के बारे में बताया गया है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में विपश्यना ध्यान के बारे में बताया है। दोस्तों, विपश्यना ध्यान साधना वैसे तो बेहद सरल है, पर फिर भी इसमें दक्षता हासिल करने में लंबा समय लग सकता है। इसे करने के लिए साधक को ध्यान की अवस्था में बैठना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीखना होगा। साधक कैसे अपनी सांसों को नाक की सुराख से अंदर जाते हुए महसूस करता है, फिर कैसे उसकी सांस से उसके शरीर में ठहरती है और कैसे वे सांस से उसकी आंतरिक शरीर को स्पर्श करते हुए उसके शरीर से बाहर आती है, इस पूरी प्रक्रिया को सीखना और महसूस करना ही विपश्यना ध्यान कहलाता है। दोस्तों, मनुष्य इस ध्यान प्रक्रिया को अपना कर अपने आप को पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से जान सकता है। वह अपनी कमजोरियों को दूर और अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। विपश्यना ध्यान मन और शरीर दोनों की शुद्धि करने के काम आता है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हर किसी के मन को शांति की जरूरत है। सभी को अपने विचार, परेशानियों और दुखों से मुक्त होना है। ऐसे में यह ध्यान साधना बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है। इस साधना के अनगिनत फायदे हैं। यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से हमारा खून शरीर के हर अंग में सही तरीके से संचारित होने लगता है और कई तरह की अशुद्धियों को दूर करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी त्वचा भी चमक उठती है और माथे पर अलग सा दिव्य तेज प्रकट हो जाता है और यह हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी का कारण बनता है। इससे हमारे मन की चंचलता भी दूर हो जाती है। दोस्तों, विपश्यना ध्यान के सतत अभ्यास से हमारी मन की एकाग्रता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यह न सिर्फ वयस्कों के लिए फायदेमंद होता है बल्कि बच्चों के लिए भी लाभकारी है। इससे पढ़ाई में कम ध्यान देने वाले बच्चों में भी पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। वे चीजों को पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने और समझने लगते हैं। विपश्यना ध्यान साधना मानसिक विकारों से छुटकारा प्रदान करता है, क्योंकि आज इस आधुनिक दुनिया में जहां कर्म प्रधान व्यक्ति ही अच्छा जीवन जी सकता है, ऐसी दुनिया में तनाव, डर, असुरक्षा और बीमारियों ने अनचाहे रूप से अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है। इससे निजात पाना ही अब मनुष्यों के लिए अनिवार्य काम बनता जा रहा है। ऐसे में यह विपश्यना ध्यान साधना उत्तम विकल्प है इन परेशानियों से धीरे धीरे लेकिन ठोस तरीके से निजात पाने का। दोस्तों, विपश्यना ध्यान मनुष्य के भीतर से कई तरह के विकारों जैसे भय, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, काम, क्रोध आदि को दूर करने में सक्षम है। यह साधना परम सत्य तक पहुँचने की सबसे कारगर विधि है। विपश्यना अपने दर्द, कष्टों और अंतरात्मा को समझने का सबसे सुलभ तरीका है। वैसे तो इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, लेकिन जब कभी कोई साधक, खास और पर चिंताओं से घिरा साधक इस ध्यान को करने बैठता है तो शुरुआत में उसका सामना अंधकार से होता है। यह उस साधक के ही मन के विचार होते हैं जो ध्यान करने के दौरान उसके सामने प्रकट होते रहते हैं। इस दौरान साधक को संयम से अपने मन के विचारों को आने और जाने देना होता है। उस पर किसी भी तरह के जोर देने की या बलपूर्वक हटाने की कोशिश नहीं करनी होती है। सिर्फ अपने मन के असीम विचारों को साथ लिए अपने श्वास के आवागमन पर ध्यान देना होता है। इससे समय के साथ उन विचारों का नाश हो जाता है और साधक आसानी से विपश्यना ध्यान करना सीख लेता है। उसे अपनी सांसों को नियंत्रित करने की भी विद्या आ जाती है। दोस्तों, विपश्यना साधना महज एक ध्यान की कला ही नहीं है। यह भौतिक दुनिया से दूर अध्यात्म की दुनिया द्वारा प्राप्त किया गया मनुष्य जाति के लिए उपहार है। यह दिव्य साधना वास्तव में बेहद चमत्कारी है। सिर्फ अपनी सांसों के आवागमन को पूरी तरह से नियंत्रित करने के पश्चात इसके चमत्कार को महसूस किया जा सकता है और इसकी शक्तियों को धारण किया जा सकता है।
जिससे साधक अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, साधक हर प्रकार के तनाव को दूर कर सकता है। साधक के हर काम चमत्कारी रूप से बन जाएंगे, जिससे मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। विपश्यना डिप्रेशन दूर करने के लिए अच्छा है। विपश्यना ध्यान के सच्चे मायने में चमत्कारी प्रभाव देखने के लिए इसे इसके नियम से करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आपको इस ध्यान साधना को करने के लिए यह नियम को करना बहुत आवश्यक है। जैसे साधक को सुबह 4 बजे सभी नित्य क्रिया को पूरा करने के पश्चात किसी शांत वातावरण में जमीन पर आसन लगाकर कमर सीधी करके बैठ जाना होगा। फिर 2 घंटे तक बगैर अपनी जगह से हिले इस ध्यान को करना सीखना होगा। उस साधक को ऐसा दिन में 5 बार 2-2 घंटे तक ध्यान लगाना सीखना होगा। इससे समय के साथ साधक स्वयं भी महसूस कर पाएगा कि वे इस भौतिक दुनिया की परेशानियों से कितना ऊपर उठ चुका होगा। वह हर तरह से बेहतर मनुष्य के रूप में प्रकाशित होकर बाहर आएगा। वैसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में 2 घंटे भी इस विपश्यना ध्यान को करने से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।